हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ब्रदर्स फैंटेसी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने जाने वाले सेकंड टेस्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस साल का पहला वीडियो नहीं देखा तो जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना मेरे चैनल पर, ठीक है? मैंने उधर आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी एक नया गोल सेट किया है इस साल के लिए, ठीक है? तो हम वो गोल अचीव करने वाले हैं, देख लेना। वो गोल क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा, ठीक है? एक बार जरूर से देख लेना। अच्छा देखो, जल्दी से बता देते हैं ग्रैंड लीग और स्पॉन लीग के बारे में। जो जो टीम ड्रीम इलेवन में आप लोग खेलने जा रहे हो उसका थोड़ा प्रीव्यू देख लेते हैं, ठीक है? और थोड़ा एनालिसिस भी कर लेते हैं। देखो, 3 जनवरी 2022 को ये मैच शुरू हो जाएगा 1:30 बजे, ठीक है? वानडेर स्टेडियम में, और जोहानसबर्ग का वानडेर स्टेडियम जो है उधर ही मैच होने जा रहा है, ठीक है? पिच रिपोर्ट आप लोगों को बता देते हैं। देखो, इधर वानडेर स्टेडियम में जो पिच होना है उधर बैट्समैन और बॉलर दोनों को ही इवन हेल्प मिलता है, ठीक है? अगर बैट्समैन को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करे तो बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। बॉलर तो हमेशा गेम में रहता है क्योंकि उधर अनइवन बाउंस उधर देखने को मिलता है। देखो, टॉस फैक्टर क्या होना चाह रहा है। टॉस फैक्टर, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगा तो मेरे हिसाब से पहले बॉल गेंदबाजी करने चाहेगा भाई। अगर कोई कैप्टन पहले बल्लेबाजी करना चाहेगा तो वो उसका अपने टीम और खुद का डिसीजन हो सकता है भाई। देखो, बट स्टैट्स तो यही बता रहा है, देख लेना एक बार स्टैट्स जरूर। स्टैट्स तो हम बता ही देंगे, देखते जाओ भाई। देखो उधर रिपोर्ट भाई, देख लो सेंचुरियन की तरह इधर भी बहुत इधर बहुत खराब होने जा रहा है भाई जोहान्सबर्ग के। क्योंकि देखो, पहले दिन तो अगर बारिश के चांस तो बहुत कम है, बट मतलब सेकेंड और थर्ड, मतलब फोर्थ और फिफ्थ जैन को बारिश होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है? तो आप लोग उसी हिसाब से टीम बना लेना, ठीक है? और सीजन लॉस्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है इधर। तो आप लोग अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो, ठीक है, तो मैं तो अपनी टीम दे ही रहा हूँ, बट आप लोग इस मैच में ग्रैंड लीग खेलने की कोशिश करना, ठीक है? वो भी मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। देखो, लास्ट में जो इधर खेला गया था, साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका के साथ ही खेला था पूरे एक साल पहले। देखो क्या किया था साउथ अफ्रीका, सॉरी श्रीलंका ने पहले बैट किए थे 157 157 किए थे। साउथ अफ्रीका पहले इनिंग्स में 302 किए थे, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में श्रीलंका 211 किए, बस साउथ अफ्रीका 67 रन करने पड़े तो जीत गए मैं साउथ अफ्रीका 10 विकेट से, ठीक है? तो इधर पहले बल्लेबाजी जो कर रहे हैं ना, उसको तकलीफ होता है बैटिंग करने में, तो सेकंड इनिंग्स में बैट करना थोड़ा आसान होता है। इसलिए बोल रहे कि जो भी टीम टॉस जीतेगा तो गेंदबाज ही करना चाहेगा, ठीक है? देख लेना, फिर भी देख लो कोई भी कैप्टन अगर बैट करना चाहे तो। देखो, थोड़ा वेन्यू स्टेट्स देख लेते हैं हम लोग इधर टीम्स के, बाद हम ड्रीम इलेवन में चलेंगे टीम बनाने में, ठीक है? तो इंडिया ने इधर 5 मुकाबले खेले हैं उधर 2 विन और 3 ड्रॉ के साथ, उधर साउथ अफ्रीका ने इधर 42 मैच खेले, 18 विन 13 ड्रॉ और 11 लॉस के साथ। देखो, इसी हिसाब से तो इंडिया का पक्ष तो बहुत भारी है, क्योंकि उधर कोई लॉस नहीं हुआ, बट उधर साउथ अफ्रीका का वेन्यू स्टेट एवरेज निकला, ठीक है? तो आप लोग इंडिया के पक्ष में भी टीम बना सकते हो, और थोड़ा बैटर्स और बॉलर्स का भी वेन्यू स्टेट देख लो जल्दी जल्दी से। देखो, सभी बड़े बड़े प्लेयर का नाम मैंने लिख के बता दिए है, आप जल्दी से पढ़ लेना। मैं अगर बोलने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, देख लेना भाई। विराट कोहली, पुजारा, तेलकर, मार्करम, बाबू, सबका स्टेट बता दिया, रॉबर्टन नॉट्स, ऑलिवर ड्वेन ओलिवर, इन लोगों का पता दिया। देखो, इंडिया के गेंदबाजों का नहीं बताया क्योंकि उन लोग अभी तक इस वेन्यू पे ज़्यादा मैच खेले ही नहीं है, ठीक है? जो जो प्लेयर खेले थे हम सबका स्टैट्स बता दिए। और देखो, मोहम्मद शामी, बुमराह, ये सब अलग से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि उन लोग फॉर्म में भी है। और देखो यार, ये जो अगर खेलते हैं ना अगर नॉर्थ से, तो इसको तो पिक कर ही लेना। तो अभी चलो ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने चलते हैं। अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ गए, आप लोग मेरी टीम देख ही सकते हो, मैं देखा भी तो कर, रुक जाओ। उससे पहले कुछ बता देते हैं, मेरे जो पहली टीम होती है ना, मेरे जो हेड टू हेड की होती है, उसके बाद मेरे सेकंड टीम 3 मेंबर और थर्ड टीम मेरे 4 मेंबर के लिए होती है, ठीक है? और उसके बाद मेरे जो भी टीम दिखाता हूँ मैंने सब स्मॉल लीग से लेके ग्रैंड लीग तक लगा देता हूँ, ठीक है? मेरा पहला, सेकेंड और थर्ड टीम ही मेरा मतलब हेड टू हेड,
थ्री मेंबर फोर मेंबर के लिए होता है, आप लोग वो टीम लगा भी सकते हैं आप अपने कॉपी करके, ठीक है। आप लोग देख लो पहले मैंने क्या क्या टीम बना के रखे हुए है। देखो आप लोग अगर हेड टू हेड खेल रहे हो ना तो अश्विन का वीसी बनाना, अगर थ्री मेंबर के लोग खेल रहे हो तो विराट कोहली का वीसी बनाना, और फोर मेंबर खेल रहे हो तो डी नेलकर का वीसी बनाना, ठीक है। अगर केएल राहुल को सी बिना सी बना के आप अगर वीसी भी बना रहे हो ना तो आपका टीम मतलब खतरे में है। उसके बाद हम थोड़ा ग्रैंड लीग के चॉइसेस देख लेते हैं। मैंने इधर ग्रैंड लीग में विराट कोहली के साथ अश्विन, निगेट के साथ अश्विन, रबाडा के साथ केएल राहुल, और निगेट के साथ विराट कोहली, और केएल राहुल के साथ मार्क क्रम को भी इधर ट्राई किए, ठीक है। आप लोग भी ये सब थोड़ा रोटेशन करके ये सब कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से टीम के साथ चल सकते हो। देखो मैंने तो पहले टॉस से पहले टीम आप लोगों को तो टीम तो दे ही दिया, बट टॉस के बाद का टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि आप अगर फाइनल टीम में अगर कोई भी चेंजेस होता है ना तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगा हो, अगर मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रख के आपको कुछ इनकम हो रहा है भाई, तो मेरे को एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक के बदले मेरे को बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों।